आपको बता दूं ये बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी में पांचवें राउंड में पीएम मोदी की बड़ी बढ़त हो गई है। अभी पांचवें राउंड की काउंटिंग के बाद पीएम मोदी अब 35,848 वोट से अब आगे हो चुके हैं पांचवें राउंड की काउंटिंग के बाद। और अभी कम से कम मान के चलिए कि 10 राउंड की वोटिंग और बची हुई है। पांचवें राउंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, लोकसभा में करीब जो है करीब 350 से 400 बूथे होती है और आमतौर पर एक राउंड में 14 होती है बूथ, तो करीब हर जगह जो लोकसभा में होगी वो कम से कम 25 से 30 राउंड होना है चुनाव। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी एनालिसिस करना कि खराब कैंडिडेट होगा या फिर क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करिए, इस मुझे लगता है इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक मुद्दा को खास करके बिहार उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस या आप आरजेडी की बात करिए, वो जमीन पे पहुंचाने में सफल रही थी, तो वो थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा मसला था जिसको जमीन पर ले जाने में वो सफल रही और उस पे उसको लेकर बीजेपी को बहुत काउंटर करना पड़ा। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी है, करीब 25 से 30 राउंड होने हैं चुनाव, और मेरा अभी भी मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो ये संख्या दिख रही है इसमें अभी बीजेपी को बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे देखा है लोगों में नाराजगी थोड़ी थी कैंडिडेट को लेकर भी थी, मोदी सरकार को महंगाई या कुछ मसले पर थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना था कि वो वोट मोदी की तरफ जाएंगे, तो ऐसे में गुस्सा नहीं था। देखिए, नाराजगी होना और गुस्सा। एक और बड़ी खबर बता दूं, सारण की सीट बिहार में, वहां पर लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मात्र 297 वोट से पीछे है। यानी वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। झारखंड में इंडी अलायंस जो है उसको वहां पर 2 सीटों पे बढ़त दिख रही है और एनडीए को 12 सीटों पर बढ़त दिख रही है। ये बड़ी खबर है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई असर नहीं दिख रहा और दिग्विजय सिंह की सीट पर काउंटिंग रुकने की खबर आ रही है। ये क्यों हुआ है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह की सीट पर काउंटिंग रुक गई है। ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायत बताई जा रही है, तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे थे और वहां पर ईवीएम में खराबी की बात चल रही है। तो सुजाता जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? मैच देख के अगर कोई सोच ले कि फाइनल की ट्रॉफी भी वो उठा लेगा तो फिर उनको ऐसे सपने में रहना देना चाहिए। पहले देखिए, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव का यही है कि पिछली बार 77 ऐसी सीटें थी जिसमें से अंतर 50,000 से कम था, इस बार